2011 की जनगणना के अनुसार लखीमपुर खीरी जिले की जनसंख्या 40,21,243 है, जो लगभग लाइबेरिया देश के अमेरिकी राज्य ओरेगन के बराबर है। यह इसे भारत की 56वीं रैंकिंग देता है। जिले की जनसंख्या घनत्व 523 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के दशक की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 25.38% है। खीरी की निगरानी पर प्रति 1000 पुरुषों पर 884 महिलाओं का है। साक्षरता दर 60.65% है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति की क्रमांक 26.40% और 1.33% जनसंख्या बनाई आदिवासी आबादी नेपाल सीमा के साथ रहने वाले थारू हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में 93.25% आबादी हिंदी, 3.10% उर्दू, 1.83% पंजाबी और 1.36% भोजपुरी में अपनी पहली भाषा के रूप में बोलती है। यहाँ बोले जाने वाली भाषाओं के मुख्य रूप से अवध क्षेत्र के 38 मिलियन के अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली हिंदी बोली निरंतर में अवधि शामिल है। यह उत्तर प्रदेश के 34 जिले में से एक है, जो वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यालय से धन प्राप्त कर रहा था। गेहूं, चावल, मक्का और जौ दाने प्रमुख उगन फसलें हैं। हाल में ही किसानों ने जिले में मैथोन पुदीना की खेती शुरू की है। ये तराई क्षेत्र होने के कारण यह पुदीने की खेती के लिए आदर्श है। मुख्य रूप से अधिकांश किसान द्वारा चीनी का उद्यान जिले में गन्ना उगाया और संसाधित किया जाता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की कुछ दूसरी सबसे बड़ी चीनी मिलें जिले हैं। गोला गोरखनाथ के बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड चीनी नियंत्रण और अरियाकाल में बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड चीनी मिल नियंत्रण के बलरामपुर चीनी मिल से एक चीनी मिल इकाई है। एशिया की 3 सबसे बड़ी चीनी मिलें हैं। 2008 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की घोषणा की है, जो लखीमपुर में बेहजाम के एक प्रमुख प्रसंस्करण इकाई का उद्घेट प्रति वर्ष 1,00,000 टन की क्षमता कर रखना है। लखीमपुर शहर राज्य की राजधानी लखनऊ से 134 किलोमीटर दूर है। ट्रेन या ट्रक या UPRTC की सेवा द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के पलिया हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। लखीमपुर खीरी के पलिया कला के दुधवा राष्ट्रीय उगन के पास स्थित है और लखीमपुर शहर से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ और अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और शहर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। UPSRTC लखीमपुर से बस स्टेशन संचालित करता है और बरेली, कौशाम्बी, आनंद विहार दिल्ली, गोला गोरखनाथ, सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद और गोरखपुर के लिए बसों के संचार करता है। दिल्ली UPRTC और अन्य शहरों के लिए शताब्दी बड़े और काव्यो बसे उपलब्ध है। UPRTC की इस वेबसाइट का ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो UPRTC की इस वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन बुकिंग बस कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी दिल्ली से दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, शाजापुर, गोला गोरखनाथ, लखीमपुर मार्ग के बाद पहुंचा जा सकता है। कई उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग लखीमपुर से होकर जाते हैं। रेल दिल्ली से टाइम द्वारा लखीमपुर पहुंचने के 3 रास्ते हैं। ट्रेन से दिल्ली से लखीमपुर खीरी पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका सीतापुर और सीतापुर से बस द्वारा 1 घंटे की यात्रा करना है। दिल्ली से शाजापुर 5-6 घंटे की यात्रा के लिए ट्रेन के और वहां से लखीमपुर खीरी के लिए बस, टैक्सी या सड़क मार्ग से 3 घंटे की यात्रा है। दिल्ली से लखनऊ 7-8 घंटे की यात्रा के लिए ट्रेन लें और वहां से लखीमपुर खीरी के लिए बस, टैक्सी, सड़क मार्ग 3-5 घंटे की यात्रा। ट्रेन द्वारा दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली और फिर बरेली सिटी, पीलीभीत, मैलाली, गोरखनाथ, लखीमपुर। दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे।